हेलो दोस्तों, काले पानी की सजा बीते ज़माने की एक ऐसी सजा थी जिसका नाम सुनते ही कैदी कांपने लगते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें कि यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए इसे बनाया गया। यह जेल चारों ओर से पानी से घिरी है। इस जेल के निर्माण का ख्याल 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के दिमाग में आ गया, लेकिन इसका निर्माण 1896 में शुरू हुआ और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई। इस जेल में 698 कोठरियाँ मौजूद हैं। यहाँ रहने वाले कैदियों को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर रखा जाता था। उनसे हर रोज 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेलने का काम लिया जाता था। इस जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हुए। यहाँ एक संग्रहालय भी बना हुआ है जिसमें उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किया गया। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।